क्यों है पुत्र तेरे हाथों च जान नहीं रही? दोबारा हूं किधर ध्यान लगाया हुआ है? कुट पुत्र जान ला। भैया आदिल आदिल उठो भी सही। क्या हो गया? आदिल भैया घर पे नहीं है। क्या मतलब भैया घर पे नहीं है? मुझे नहीं पता, मैं तो नीचे पानी लेने गई थी, उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। He wasn't there। बाथरूम में होंगे। I checked the bathroom, he is not there also। भाई कहीं चले तो नहीं गए? कहाँ गए होंगे? कहीं मन्नत के घर तो नहीं चले गए सुबह सुबह? पागल हो गई हो क्या? मैं देखता हूँ। हटो। भैया भैया मैंने कहा ना नहीं है कमरे में। देखने तो दो। यहां तो नहीं है। अब तुम जरा बाहर देखो। भैया यहाँ क्या कर रहे हैं आप? चलें अपने कमरे में। मन्नत आएगी ना आज, आप चलें मेरे साथ अपने कमरे में, रेस्ट करें। सब यहाँ है, कहीं नहीं जा रहा, चलें आप। उठे चलो। सब तो यहीं पड़ा है, लेकिन मन्नत तो चली गई ना आदिल, चली गई। हो गई नहीं है, अपने घर की हो गई है। आपको तो खुश होना चाहिए, आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा दी। क्या कह रहे हो? मन्नत हमारे लिए क्या सिर्फ जिम्मेदारी और फर्ज थी? अरे हमारा दिल चैन खुशी सुकून सब कुछ थी, सब सब चला गया, सब कुछ ले गई अपने साथ, सब ले गई। अच्छा बस 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 चले, ये ले।
मॉर्निंग भाभी, ससुराल में पहली सुबह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खूब नींद पूरी की है ना आपने? मैंने भी नहीं जगाया आपको। आपको पता है अम्मी कह रही थी कि बहू को सोने दो, बेचारी बहुत थक गई होगी। और इतना आप इतना राज कहाँ है? मुराद भाई तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? वो अम्मी ने मुराद भाई को सुबह सुबह जगा दिया और थाने भेज दिया। अच्छा का तो बहुत बुरा हाल है, बेचारी बहुत परेशान है वो। लेकिन अम्मी ने भी कह दिया कि अगर आओगे तो शौकत भाई को लेकर आना, वरना 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 वलीमे का प्लान कैंसिल। क्या? अगर शौकत भाई नहीं आए तो वलीमा भी नहीं होगा, ऐसा कुछ कह रही थी अम्मी। पता नहीं, मैं आती हूँ। ठीक है, चंद घंटे भी नहीं हुए थे मुराद भाई की शादी को, 10 मिनट भी नहीं बैठने को मिला होगा दुल्हन के साथ। क्या सोचती हो मन्नत? सोचना तो उससे पहले चाहिए था, जब मुराद से शादी के लिए हामी भरी थी। घर का इकलौता मर्द है, कोई भी परेशानी आएगी तो सबसे पहले वही खड़ा होगा ना। लेकिन ये है तो सरासर ज्यादती की बात ना। अम्मी को ना सिर्फ अपनी बेटी के आंसू नजर आते हैं, बहू के जज्बात का भी तो ख्याल होना चाहिए या नहीं? सारी रात मुराद भाई अम्मी की टांगे दबाते रहे और सुबह होते ही शौकत भाई की जमानत करवाने के लिए चले गए। मन्नत के घर वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो लोग? अम्मी को ना अपना हाथ हल्का रखना पड़ेगा। चार भाइयों की इकलौती और लाडली बहन है मन्नत, ये मजाक नहीं है। अगर मैं कभी अपनी बहनों और अम्मी को थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दे दूं तो प्लीज तुम कभी माइंड ना करना। उनका इकलौता बेटा हूं, अम्मी को नहीं समझा सकता, मैं तो कह सकता हूं। तुम्हारी एक मिनट, मुंह दिखाई? यस। तो रुको ना दुपट्टा। ओके। अब मुंह दिखाई है तो मुंह देख कर ही दोगे ना, घूंघट तो लेने दो। अच्छा मुराद भाई। हाँ। मुराद भाई। हाँ हाँ। वो अम्मी, अम्मी भी आवश हो गई है। तो ये जगह है मेरी तुम्हारे दिल में, तुम्हारी नजरों में और तुम्हारे इस घर में। पहली रात ही तुमने मुझे बता दिया मुराद, मुझे अकेला छोड़कर चले गए यहां पे बगैर बताए। नहीं नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सलामुअलैकुम भैया। भैया किसको कॉल कर रहे हैं? मन्नत को? अभी तो 9 बजे हैं भैया, इस वक्त कॉल करना मुनासिब नहीं, वो डिस्टर्ब होगी। डिस्टर्ब? हम डिस्टर्ब करेंगे अपनी बहन को? और हमारे फोन करने से डिस्टर्ब हो जाएगी वो? कमाल करती हो तुम सब यार, चंद घंटे हुए नहीं उसे रुखसत हुए और बड़े भैया पराए हो गए। भैया बात आपकी नहीं मन्नत की है, शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, सुना नहीं आपने?
मन्नत कोई अनोखी तो नहीं? सबिया बताओ। क्या बताए सबिया, और कहां लिखा है ये सब, किस किताब में लिखा है बोलो? तुम्हारा क्या मतलब है? हमने मन्नत को ब्याह दिया तो हम पराए हो गए उसके लिए, हमारा कोई हक नहीं उसमें? याद रखो, सुन लो तुम सब, वो बेटी है हमारी, बेटी थी और रहेगी। हम रात गए फोन करें या सुबह तड़के फोन करें, जैसे दिल चाहेगा करेंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें, हक है हमारा उस पर। इससे ज्यादा मुराद का हक है उस पर। शादी हो गई है उन दोनों की, बीवी है मन्नत मुराद की। भैया रात को वलीमा है, चंद घंटों की तो बात है, हम तब मन्नत को मिल लेंगे ना, अभी तो वैसे भी वो सो रही होगी। ये कौन सा वक्त है वकील का नंबर मांगने का और जमानत कराने का, वो भी शादी के पहले दिन? तू कहाँ है इस वक्त? ओ यार पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ। तू पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहा है, और मन्नत कहाँ है? अभी तो घर पर ही है, लेकिन कुछ देर बाद घर पर होगी नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं, क्या मुझसे बहुत नाराज होगी वो? होना भी चाहिए। मुझे ना मेरा वलीमा आज की तारीख में होता नजर नहीं आ रहा, वैसे जो हालात बने हुए हैं ना। वलीमे की छोड़, तू अपनी शादी की फिक्र कर, मुझे तो ये शादी सिरे से चलती नजर ही नहीं आ रही। या मुझे नंबर तो भेज दे। चल मैं सेंड करता हूं। ठंडे तो नहीं हो जाएंगे? नहीं बेटा, ठंडा नहीं होगा। हेलो, हाँ मन्नत मेरी जान, कैसी हो? I was just about to call you. भाभी आप यहाँ आ सकती हैं अभी प्लीज? नहीं आई विश मैं आ सकती, लेकिन यहाँ इतना काम पड़ा हुआ है, मुझे शाम तक हर हाल में निपटाना है। यार ये नान तो पैक कर दो ना, ये हवा से ठंडे ही ना हो जाएंगे, अकड़ जाएंगे। मुझे नहीं पता आप यहाँ आ रही हैं बस। मन्नत तुम तो कम से कम जिद ना करो ना, अपने आप को संभालो। यहाँ भैया सुबह से बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, आगे इतनी मुश्किल से उन्हें रोका हुआ है। मेरा ख्याल है अभी बेस्ट यही है कि मैं साथ को भेज दूँ, कम से कम खड़े खड़े नाश्ता तो पकड़ा दे। नाश्ता इस वक्त? हाँ मुझे पता है देर हो गई, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने अपनी तरफ से टोटली डिफरेंट मेन्यू सोचा हुआ था। लेकिन तुम्हारी सास जो है ना, माजर्स कता, शी इज क्वाइट अनोइंग। सुबह सुबह फोन करके इतनी लंबी लिस्ट बता दी है ना, एंड इतनी पर्टिकुलर है कि नान, चने, हलीम, निहारी, पूरी, हलवा, मैं तो उस वक्त से उसी की प्रेपरेशन में लगी हूँ, फुल पैनिक मोड चल रहा है। ऊपर से बार बार फोन करके कह रही है जल्दी करो, यहाँ सब भूखे बैठे, लाइक सीरियसली। बस बहुत हो गया है, अब इस फजूल घर में ऑर्डर दे सकती हूँ। घटियापन नहीं, जहालत है जहालत, बस नहीं रहूंगी यहाँ। अच्छा साथ गाड़ी ख्याल से चलाना, डब्बों में निहारी कहीं गिर ना जाए। कल रात इतना खाया था उन लोगों ने, सुबह को फिर से भूख लगी है। अच्छा बातें ना करो, जल्दी करो, सब भूखे बैठे होंगे। बैठे रहने दे, देखते हैं कितना बर्दाश्त करते हैं। स्टॉप बीइंग चीकी, बहन का ससुराल है, जल्दी करो। मैं कॉल करके कहने लगी हूँ कि तुम 15 मिनट में आ रहे, 15 मिनट्स। ओके फाइन। गाड़ी ख्याल से चलाना। किसे के लिए तो करूं? बड़े भाई आप? हाँ हाँ चलो, वो सभी और आदिल को नहीं पता कि हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं मन्नत के ससुराल। अच्छा चल। शकीबचा
बड़े भैया भी क्या साथ गए हैं? जी जी साथ गए। चलो जी, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अलीजा तुम अब तक रेडी नहीं हुई हो, जाना नहीं है क्या? हम लोग कहीं जा रहे हो क्या? वो अपनी शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। ऐसा करो तुम लोग ये रमशा को भी ले जाओ साथ। रमशा तुम्हें ये ड्रेस कैसा लग रहा है बताओ ना, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या ये ड्रेस पसंद करती? वो तुम्हारी जगह कभी नहीं हो सकती। हेलो रमशा, पहचाना मुझे? मैं अब तुम रात भी फोन नहीं उठा रहा। वाहेल्ला जी, ये क्या मुसीबत पड़ गई हम पे बैठे बिठाए, पहले शौकत अब मुराद, हम बेचारी मजलूम औरतें कहाँ जाएं, किस किस की फरियाद करें। अम्मी हौसला रखें, हो सकता मुराद किसी काम में मसरूफ हो। खैरी सना रजिया, एवी ते हो सकते हो तो मोबाइल ही कवाच गया होवे, या फिर किसी ने खो लेता होवे। अजकल सुनिया नहीं किनिया डकैतियां हो रही ने, रोज खबरां च दसदे ने। मामा जी, डाकुओं के पास तो ना पिस्तौल भी होती है, पिस्तौल, वो तो जरा जरा सी बात पे गोली भी चला देते हैं। अल्लाह खैर करे नहीं तेरे मुंह च खेस हुआ थे मिट्टी। जब भी ये लड़की बोलती है ना, इसके मुंह से खालस बकवास ही निकलती है। ओ मेरा ख्याल है मुराद आ गया है, ओए अल्लाह हयाती आला करे, खाला सदके मां मारी, जा जा पुत्रा जल्दी। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह करे अब शौकत को साथ ही लेकर आया हूँ मुराद। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम, नाश्ता लेकर आए हैं। वक्त तो दोपहर के खाने का है, नाश्ता ले आए, दे दें आप। खैरी सलाम, मेरा मुराद आ गया है, मुराद आ गया है ना। नीनी की मुंह जो फोड़े निकल आए, नीनी बोल दी नहीं, भाई आ गया है ना। अम्मी वो लोग नाश्ता लेकर आ गए। हाँ, उठ नी चादर चुका मेरे नाल। हाँ नी मम्मा जा, मेरी कचंजी औलाद, कचंजी दी मां ना ना रोशन करेंगी, सुंदर से फजीलत बाजी को बुलाओ, जल्दी आ नी। आ जा। मंजी चौक, मंजी मुंडिया नु चौक, मंजी चौक, भागो भागो भागो। फजीलत है, खैर मैं चौक नहीं है, तू ऐ कर, तू जाके फटाफट मेरी चुन्नी ते जुत्ती लेके आ मेरी। ये ले अम्मी। अम्मी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आए आए आए। ठीक है, हाथ उठाओ फोन। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो फिर मुझे भी यहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। इसको क्या हुआ है? वो मन्नत के बेके वाले आए हैं ना। शुक्र है, नाश्ता तो लेकर आए। हमारे हलक से तो सुबह का एक घूंट पानी का भी नहीं उतरा है।
दरअसल बात ही बहुत परेशानी की है। आपको तो पता ही है कि पुलिस हम जैसे ही शरीफ लोगों को तंग करती है ना। आप सही कह रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस है ना जिन्ना नाश्ता। हाँ है रजिया, इन्हों पता नहीं वोटी परे पुरे कार दे विच आईए, इन्ना क नाश्ता किस तरह सारे नु पूरा होएगा। कोई बात नहीं, बंदा थोड़ा थोड़ा बांट बांट के खा लेता है, थोड़ा है तो क्या हुआ, इतने बेचारे शौक से लेकर आए हैं, इतनी दूर से खा लो। इतना थोड़ा भी नहीं है खाला जी, इनफैक्ट आप आए ना, हम सब साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके आए ठीक है, रजिया कह दिए थे खा लेने, आ जाओ बह जाओ सारे, ला ला के खा लिए। तारा मैंने कुलचे दे नाल जरा हलवा फड़ाई। अस्सलाम वालेकुम, शुक्र है आ गया नाश्ता। आहो जी आ जा हाँ। ने ते मुख चलना सारा। ला मन्नत कहाँ है? अपने कमरे में ही होगी, और कहाँ होना है उसने। सूरज सवा नेजे पर आ गया है, ऐसा नहीं किया कि नीचे आ जाए, को सलाम दुआई ले ले अपनी सास और नंदों से। बिन माँ के बच्ची है, भाभियों से तो तवक्को नहीं की जा सकती, किसने भला तरबियत करनी थी। चलो आप बड़े खानदान में आई है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मिलना चाहते हैं मन्नत। जी जी जरूर मिले ना, मन्नत का कमरा ऊपर ही है, आप जाकर मिल लें। हमने ऊपर वाला पोर्शन उन दोनों को दे दिया है ना। आप ढूंढ लेंगे, सीढ़ियां चढ़ेंगे ना तो फिर उधर वो उस तरफ उनका बेडरूम है। बोतल नहीं पी आपने बेटे? नहीं थैंक यू। कोई बात नहीं, सुंदर पी लेगी। फिर बस वो बल्लेबाजी ही करते हैं आप? नहीं आंटी, मैं बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ, स्क्वाश, फुटबॉल। अच्छा और कुछ नहीं आता जाता आपको? अम्मी बेटे भाई के लिए चाय लेकर आओ निगी। जी मैं अभी लाई। मैं फिर आती हूँ। हैं क्या हो गया? हाँ हाय तुसी इत्थे बैठियां जे, अंदर नाश्ता है, पहले ही थोड़ा जिन आंदा ने जाओ जाओ खा लो। चलो मुंडे आओ जल्दी करो। आप ही वो गुड़िया जाग गई है।
खाना सत्य मुराद क्यों है? मुराद भाई देखो हमें साफ साफ बताओ मसला क्या है। क्या कोई बदसलूकी की तुम्हारे साथ? नहीं भैया, किसी की इतनी मजाल के मेरे साथ कुछ ऐसा करे। फिर मुराद ने कुछ कहा होगा तुम्हें? पहले ही दिन रोब जमाने की कोशिश की होगी उसने। अरे आने दो उसे, हम चौधराहट निकाल देंगे उसे, हमें जानता नहीं है वो। नहीं भैया, मुराद ने कुछ भी नहीं किया। आपको लगता है उसमें इतनी हिम्मत है कि मुझ पर रोप जमा सकेगा? जानते नहीं है कि अपनी बहन को आप क्यों रोए जा रही हो मंतु? ये सामान पैक करके कहां जा रही थी? मुझे आपकी मौत याद आ रही थी भैया, मैं आपके पास आना चाह रही थी, मैं घर आना चाह रही थी, मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। मुझे ना यहाँ पर बहुत अकेला अकेला लग रहा है, मैं शायद एक दिन और यहाँ रुकी ना मेरा दम घुट जाएगा। मैं वापस घर आना चाह रही हूँ, मैं ना आपको बहुत मिस कर रही हूँ, घर को मिस कर रही हूँ, भाभी साहब को। जानते हो बहुत दिल कह रहा था, परेशान हो ठीक है, चलो बस चलते हैं। चलो चलो आज ओ हेलो, तुम क्या टीवी देख रहे हो? आगे बड़ी छुट्टियां होगी स्कूल से, चलो चलो होमवर्क करो अपना। नहीं हाँ चलो बुक्स निकालो, मैं आ रही हूँ, चलो 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 क्विक 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 चलो। वैसे बड़ी गलत बात है, भैया को मन्नत के घर नहीं जाना चाहिए था। अरे क्यों ना जाएं? पहले भी तो गए थे रिश्ता लेके, अब तो रिश्तेदारी भी है, जरूर जाएंगे। और तुम अच्छी तरह जानती हो भैया को, वो मन्नत के मामले में किसी की भी नहीं सुनते, अपनी ही मर्जी करते हैं। उसको टाइम चाहिए ससुराल में एडजस्ट करने के लिए, इस तरह बहाने बहाने से उसके सर पे सवार होते रहेंगे तो कैसे एडजस्ट करेगी वो। मिस कर रहे थे भैया मन्नत को, मिल आएंगे तो बेहतर महसूस करेंगे। लगता है भैया की शादी करवानी ही पड़ेगी, वरना मन्नत की जिंदगी में इसी तरह इंटरफेयर करते रहेंगे। हमने तो बहुत कोशिश कर ली, तुम भी कोशिश करके देख लो, अब इस उम्र में अगर उन्होंने शादी कर ली तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरी बात सुनो, मैं मन्नत और भैया दोनों के भले की बात कर रही हूँ। पहले की बात और थी आदिल, अब उसकी शादी हो गई है और मैं दिल से चाहती हूँ कि उसका घर बसा रहे। वो तभी होना जब भैया की खुद शादी होगी, ताकि उनकी तवज्जो जो है अपनी बीवी अपने बच्चों की तरफ रहे, वरना रोज उठ के उसके घर चले जाएंगे। तुम्हें एतराज हो या ना हो, मुराद और उसके घर वालों को यकीनन एतराज होगा। ना उस बच्ची ने कभी बेस्ट फ्रेंड बनाई है, क्योंकि भैया बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उसका ध्यान उसकी तवज्जो कहीं और हो। उनका बस चलता तो शादी भी ना होने देते। अब देखो शादी के बाद पहला दिन है, चले गए हैं उसके घर, ये कोई बात है भला? मुझे तो डर लग रहा है कोई साथ ही ना ले आए उसे। हाय 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 मां, सत्य मां, वाली नहीं, बड़े दर्द हो रही है क्या? लगी तुम्हें? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बासू,
बहू रानी, जरा पीछे हट के बैठो, ऐसे चिपक क्यों रही हो मेरे बेटे के साथ? अभी बेचारे का बाजू टूटा है, दर्द होगी उसको। गैर से बशर्मे, चल बे ही आए, अंदर चल। बड़े भैया, मन्नत से मुलाकात होगी ना आपकी? हाँ, चले। ये क्या हो रहा है? कहाँ लेकर जा रही हो मेरे बेटे को? ऊपर अपने कमरे में। चलो। हाँ। आजा। किससे पूछ कर लेकर जा रही हो मेरे बेचारे बच्चे को? मैं इस बेचारे बच्चे को जबरदस्ती गोद में उठाकर थोड़ी लेकर जा रही हूँ। इसी ने कहा था कि अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता है। तो रहन थे, इसकी हालत है भला ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाए, नीचे ही आराम कर लेगा मेरे कमरे में। चोट मुराद के बाजू पर लगी है, टांग पर थोड़ी लगी है, सीढ़ियां तो आराम से चढ़ सकता है, क्यों मुराद? हाँ, टांग तो मेरी बिल्कुल ठीक है, ये देखिए। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। अम्मी, मुराद ठीक कह रहा है, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुराद के लिए परेशान होने की खातिर मन्नत आ गई है ना, अब ये जाने और मुराद जाने, जाओ ना मुराद। हमेशा फर्क रखा ना बेटे और बेटी में। अपनी तरफ से ऐसी लड़की को बहू बना के लाए जो मुराद को नापसंद, अब आगे आगे देखिए होता है क्या।